नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में। मित्रों, आज हम लोग यूनिवर्सल कोड के बारे में बात करने वाले हैं। किसके? यूनिवर्सल कोड के बारे में बात करेंगे, यानी यूनिकोड। किसके बारे में बात करने वाले हैं आज हम लोग? यूनिकोड, यूनिकोड के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल कोड कहते हैं, यानी यूनिवर्सल कोड कहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले, यानी कि हमने पिछले क्लास में देखा था ASCII कोड के बारे में। किसके बारे में? ASCII कोड के बारे में देखा था। तो ASCII कोड में क्या था कि हमारे अप्रॉक्सिमेटली 95 कैरेक्टर्स जो है निर्धारित थे। ठीक है, कितने? 95 कैरेक्टर्स निर्धारित थे। लेकिन अब ये आप सोचिए कि कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं, जैसे हमारा एट द रेट हुआ, ठीक है, अब ये हुआ, अब ये वाला हुआ, तो ये सारे सिंबल का भी तो कोडिंग होती है ना। इस सारे सिंबल की कोडिंग करने वाला कौन है? इसी सब को देखते हुए क्या हुआ था कि यूनिकोड का निर्माण किया गया था, कि जो बचा खुचा है उसको भी हम किसको कोड दे। भाई, अगर हमें इस अमेरिकन लैंग्वेज में जाना है, अगर हमें अमेरिका को समझाना है, तो हम कैसे समझाएंगे? अपने कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे? तो हमें अपने कंप्यूटर को समझाने के लिए कोड निर्धारित करना पड़ता है। तो उस कोड में क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन ASCII कोड में क्या था कि हम अल्फाबेट, नंबर और सिंबल्स यूज करते थे। क्या यूज करते थे? जो हमारा ASCII कोड था उसमें क्या यूज करते थे? अल्फाबेट, नंबर और सिंबल। लेकिन हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे, यानी यूनिकोड में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या होता है? वर्ड। अब सोचिए कितना डिफरेंट है। अब इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि चाइना में 29,000 से ज्यादा बस खाली सिर्फ वो है कैरेक्टर्स, यानी चिन्ह जिसको कहते हैं हम लोग, है ना। अब सोचिए कि इसको पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ तो उपाय होना चाहिए। इसी तरीके से इंडिया में 22 से ज्यादा भाषाएं हैं। अब इन भाषाओं को समझने के लिए कंप्यूटर भाई कैसे समझेगा, कैसे समझेगा बताइए। अब हम आप ना समझते हैं भाषा को, लेकिन कंप्यूटर थोड़ा ना समझेगा। कंप्यूटर समझाने के लिए हमें कोडिंग करना पड़ता है। तो उसी कोडिंग को देखते हुए क्या हुआ था, यूनिकोड का निर्माण किया गया था दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, आज पूरा यूनिकोड आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मैं रत्नाकर उपाध्याय यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल के माध्यम से मित्रों पूरे यूनिकोड के बारे में बात करने वाला हूं। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। अगर हम बात करें यूनिकोड की, तो सबसे बड़ी बात है कि यूनिकोड क्या होता है कि ये एक यूनिवर्सल कोड, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में इस कोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारे इंडिया में, अमेरिका में, चाइना में, जापान में, क्रोएशिया में, किसी भी देश में चले जाएं तो एक दूसरे का ट्रांसफर करने के लिए सब इस सब कोडिंग का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, अगर हम बात करें यूनिकोड की, तो यूनिकोड के कुछ टाइप्स होते हैं। तीन टाइप्स के होते हैं यूनिकोड। ठीक है, सबसे पहला टाइप्स कौन सा होता है, दूसरा टाइप कौन सा होता है, और तीसरा टाइप कौन सा होता है, हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला टाइप अगर हम यूनिकोड का देखें तो वो होता है कितना, यानी कि 8 बीट होता है। कितना होता है दोस्तों? UTF-8 बीट। यानी UTF का मतलब क्या होता है, हम UTF का पूरा फुल फॉर्म लिख दें। अगर UTF का देखें दो फुल फॉर्म होता है, एक तो यूनिकोड टेक्स्ट कोड होता है। क्या होता है? यूनिकोड टेक्स्ट कोड होता है। दूसरा होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है। तो UTF की बात अगर हम करें तो UTF हमारा होता है क्या, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ठीक है, इसका मैंने यहां पे लिख दिया, मैंने यहां शॉर्टकट आपको बताता हूं। तो UTF जो होता है वो 8 बीट का होता है। कितने बीट का होता है? 8 बीट का होता है। यानी क्या मतलब है कि 8 बीट का मतलब, हमें थोड़ी इस पहले क्लास में मैंने बताया था आपको कि 8 बीट का जो मतलब होता है, यानी 2 to the power 8, यानी कि 256, यानी 256 कोड इसमें आपको सिर्फ एक पार्ट में मिल जाएंगे इसके। यानी कि जो इसका है यूनिक कोड ट्रांसफॉर्मर फॉर्मेट जो होता है, इसके फर्स्ट वाले पार्ट में क्या होगा, 256 कोड मिल जाएंगे आपको, यानी कहीं और जाने की जरूरत है ही नहीं है। लेकिन अगर हम लोग दूसरे में चलते हैं तो UTF क्या होगा, 16 बीट की बात करते हैं। अब 16 बीट में यानी 2 to the power 16, देन हम क्या करेंगे, लिखेंगे 655536। ये इसका क्या होगा, रेशियो होगा। यानी इतने कोड इसमें मिल जाएंगे आपको, किसमें, 16 बीट में। लेकिन इसके एक पार्ट और होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, UTF 32 बीट।
ठीक है, क्या कहेंगे, अब हम 2^32 करेंगे। तो अगर हम इसका निकाले तो इसका थोड़ा सा लॉन्ग है दोस्तों, यानी कि क्या होता है 429, क्या होगा 429 4946, क्या होगा 4967 4967 72, ये इसका क्या होगा आपका 4967 7696, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मतलब क्या हुआ कि जो दुनिया के कुछ जो हमारे कैरेक्टर्स बचे हुए थे, क्या हुए थे, जो हमारे कैरेक्टर्स कुछ बचे हुए थे वो क्या हुए हैं कि फुलफिल हो गए हैं। पूरा हमारे कैरेक्टर कोड, जो भी हमारे सिंबल्स हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं, जो कुछ भी बचे हुए थे यूनिकोड में इन्होंने अप्लाई करके रख दिया। यही कारण है कि आज यूनिकोड का मार्केट में मांग है, यूनिकोड को ही सब लोग जानते हैं दोस्तों। तो ये भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि यूनिकोड में कितने टाइप्स होते हैं, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिकोड, देन यू कैन से दैट 3 टाइप्स ऑफ यूनिकोड, UTF-8 बिट, UTF-16 बिट, UTF-32 बिट, यानी कि और इसका पावर पूछ देगा, तो आप लोग इसको आराम से अब लिख सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। एक इंटरनल बात आपको हम बताते हैं कि जो हमारा यूनिकोड होता है और जो हमारा आस्की कोड होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड इट। तो हम बात करते हैं इसके यूनिकोड की, तो अगर हम आस्की की बात करें, किसकी बात करें, आस्की कोड की बात करें और यूनिकोड की बात करें, तो आपको पता है कि जो हमारा आस्की कोड होता है वो 7 और 8 होता है। अब यूनिकोड की बात करें तो ये 8 होता है, 16 होता है और 32 बिट का होता है, इतना होता है आपको पता है। अगर हम इसमें एक फायदा ये होता है और नुकसान भी थोड़ा सा है, आप लोग ध्यान समझिए हमारी बात को, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से क्रिएट होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो हमारा 7 बिट होता है और 8 बिट होता है, इसमें क्या होता है कि जो 7, मान लीजिए हमने 8 बिट का एक फोटो, कितना का 8 बिट का एक फोटो हमने ट्रांसफर किया यूनिकोड को, ठीक है, यूनिकोड हमने क्या किया 8 बिट का ट्रांसफर किया। लेकिन अगर ये क्या करता है कि 8 बिट का लेता है, तो मान लीजिए 1 KB का ये फोटो था, तो यहां पे भी 1 KB का ही रहेगा ना। लेकिन अगर ये क्या करता है, यहां से ट्रांसफर करके ये 16 बिट को देता है, तो ये कितने केबी का हो जाएगा, 2 KB का हो जाएगा। अगर ये 32 में आता है तो ये किसमें हो जाएगा, 4 KB का हो जाएगा। सीधी सी बात, हमारा नुकसान तो है, क्योंकि हमारा जो काम 1 KB में हो सकता है वो काम 4 KB में क्यों करें। लेकिन हाँ, फायदा भी है, इससे ये फायदा है कि जो हमारे सारे कैरेक्टर्स हैं, आप लोग अगर स्टूडियो में जाते हैं फोटो खिंचवाने, तो वहां 5 लाख के कैमरे से लोग फोटो खींचते हैं, मूवी बनाते हैं जो लोग और महंगे कैमरे शूट करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एक एक कण को आना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये फायदे हैं दोस्तों, अगर हम इस फोटो को 1 KB से 4 KB में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो फाइल होती है लंबी होती है, यानी कि और ही क्लियर हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, 1 KB 2 KB 4 KB, इस तरीके से हमारा बढ़ता जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं अगर कि इसको कन्वर्ट करना और बड़ी फाइल में, देन यू कैन कन्वर्ट आस्की कोड टू यूनिकोड 8 बिट 16 बिट 16 एंड 32 बिट्स, ओके, देन यू कैन फाइंड इट। ये हमारे होते हैं यूनिकोड, यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, यानी UTF होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, UTF-8 बिट, UTF-16 और UTF-32 बिट्स। इसमें क्या होता है कि 256 होता है, इसमें होता है 65536 होता है, इसमें 4294967277 और 96, ये हमारा क्या होता है, कोड होता है मित्रों, ठीक है। यूनिक आस्की कोड में क्या होता है कि 7 और 8 बिट में होते हैं, लेकिन अगर हम इसको यूनिक कोड में ट्रांसफर करके इस फाइल को बड़ी करना चाहते हैं तो हम लोग बड़ी कर सकते हैं। ये हमारा है दोस्तों यूनिक कोड, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।